Started? Okay, so everyone, let's begin with this class. मेरी आज please mind my voice. मेरा गला पर थोड़ा बैठ चुका है, friction आ गया है मेरे गले में. But again, this is the second lecture of friction, and I think we had a lot of fun in the first class. We visualized friction. I told you a story, and you could actually feel कि friction कैसा है. ओके, फ्रिक्शन कैसे समझा जाता है ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे, और वो कमेंट्स बहुत ही इलेटिंग थे. और आज हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे कि कैसे फ्रिक्शन को कॉन्कर किया जा सकता है, कैसे वो टू ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है फ्रिक्शन की, वो एडवांस्ड इलस्ट्रेशन सॉल्व किए जा सकते हैं. आज हम वो देखेंगे, आज नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में. आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ हाई लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे. फ्रिक्शन लेक्चर टू, लेट्स बिगिन. आज थोड़ा सा रिकैप भी होगा, ये हमारी सॉलिड टीम है. अगर आप हमारी सॉलिड टीम के साथ एक ही टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हो तो बड़ा सिंपल है, अपने फोन पे टेलीग्राम की ऐप इंस्टॉल करो. व्हाट्सएप की तरह ये ऐप होती है, टेलीग्राम को इंस्टॉल करो. एंड वंस दिस ऐप इज ऑन योर फोन, गो टू द ब्राउजर में ये टाइप कर दो जाके tinyurl.com/jeelivechat. तो अगर ये ऐप आपके फोन में होगी टेलीग्राम, तो आप हमारे ग्रुप में आ सकते हो. मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी 10,000, आई थिंक आज रात में 10,000 स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे होंगे. उससे ज़्यादा बेहतरीन बात यह है कि 3,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे होंगे, और 2,55,000 लोग by the end of this day will be subscribers on YouTube. So again, that's a great thing. That's a great thing that has happened just in 2.5 months. I mean, kya badiya cheez hai. Thanks to all of you. Thanks to your love and support. This is Unacademy Plus, one of the best platforms jahan pe sabse zyada educators aur sabse zyada learners daily padhte hain. नेशनल लेवल के टेस्ट सीरीज होती है, यहाँ पे क्विजेज होती हैं, यहाँ पे बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में सेशंस होते हैं बच्चों. और हम सब अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं. क्या खाली हम पढ़ाते हैं? नहीं, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी, आपको दिल्ली बॉम्बे जैसी सिटीज़ के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, सो अगेन, अगर आप अभी तक प्लस पे नहीं आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हमने 2 साल का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया है, जो बहुत किफ़ायती पड़ेगा. यहाँ पे बहुत सारे सेशंस होते हैं, क्लासिक कोर्सेज होते हैं, सिग्नेचर कोर्सेज होते हैं, 11th के बैचेस चल रहे हैं जो हमारी टीम ले रही है, 12th के बैचेस चल रहे हैं, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी भी बैचेस ले रही है अनअकैडमी प्लस पे. और आप चूज कर सकते हो, इट इज़ लाइक इफ यू बाय द सब्सक्रिप्शन यू कैन चूज कि आपको कौन सा अटेंड करना है. ओके, अगर मैं ये अटेंड कर रहा हूँ तो क्या मुझे कोटा के नोट्स मिल सकते हैं? डेफिनेटली, एवरीथिंग इज ओपन. तो जो भी कॉन्टेंट शेयर हो रहा है, इट इज ओपन टू यू. सो इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन, जैसे नेटफ्लिक्स से आपने सब्सक्रिप्शन लिया, एवरीथिंग इज ओपन. नाउ यू कैन डिसाइड कि कौन सा टीचर, बिकॉज योर प्रेपरेशन रिवॉल्व्स अराउंड द टीचर. अगर आपने अपनी अपनी वेवलेंथ का टीचर पकड़ लिया, तो अगेन यू विल रियली डू वेल. सो दैट्स द मेन थिंग. अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख सकते हो अनअकैडमी, अब ये प्रोसेस समझ लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना है. तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप हमेशा ट्रेंडिंग, टॉप ट्रेंडिंग में रहती है. यू कैन डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट, एंड वंस यू हैव इंस्टॉल्ड इट, और यू कैन गो टू unacademy.com/plus ऑल्सो. फिर वहाँ पे प्लस के सेक्शन पे जाना, प्लस के सेक्शन पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन, IIT JEE में गेट सब्सक्रिप्शन. ओके, नीट का भी स्टार्ट हो गया, नीट का कोड नीट लाइव है. ओके, और अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है, 24 months. दिस इज फॉर द 12th स्टैंडर्ड एंड ड्रॉपर, 1 साल का सब्सक्रिप्शन, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन फॉर द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. और अगर आपने ये कोड JEE लाइव यूज कर लिया, तो बच्चों आपको इमीडिएटली 10% ऑफ मिल जाएगा. ये प्राइस है, ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन का प्राइस है आफ्टर यूजिंग द JEE लाइव कोड. ओके, सो ये स्पेशल कोड है हमारी टीम का, ये परफेक्ट टाइम है. अगर आप अभी तक अनअकैडमी प्लस पे नहीं आए हैं, तो आप प्लीज आ जाइए जल्दी से जल्दी. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बच्चों. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर 2 ऑफ JEE लाइव. अगेन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, तो वो दब जाना चाहिए, वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए. अनअकैडमी JEE चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, लाइक दिस वीडियो. लेट्स टारगेट बच्चों, लेट्स टारगेट 500 लाइक्स बिफोर दिस अमेजिंग लेक्चर एंड्स. लाइव सेशन जब तक एंड होता है, प्लीज इंश्योर कि 500 लाइक्स हो जाएं. ये हमारा टारगेट है आज का. लेक्चर 2 स्टार्ट करें. एवरीवन, गिव मी अ थम्स अप इन द चैट. ओके, चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बच्चों, हमने लास्ट क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि अगर ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक फ्रिज है यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, तो अगेन एवरीवन, तो मैंने क्या किया,
अभी तो बहुत फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ी देर के बाद ये इसको रीलोड होगा। हाँ, अब मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ, 100, 150, 200, तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है ना। उसके बाद टूट जाता है, वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और बॉन्ड्स टूट जाते हैं उसके बाद क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ये चलता है तो ये कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन लग रहा है, कॉन्स्टेंट। जब बॉडी चलने लग जाती है तो कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन लगता है। बट अगेन, अब अगर एक अलमीरा है उसमें मैं 1 न्यूटन लगाता हूँ तो फ्रिक्शन बोलता है मैं भी 1 न्यूटन लगा दूंगा, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 100 न्यूटन पर चलने लग जाता है वो, ठीक है। तो दैट्स हाउ फ्रिक्शन वर्क्स, ठीक है। हमने जैसे ये देखा था, यहाँ ध्यान से देखो, अब देखो हम टेंशन बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पे से फोर्स बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखो एकदम से बॉन्ड्स टूट गए तो फ्रिक्शन कम हो गया और कॉन्स्टेंट हो गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में पूरा फ्रिक्शन लगता है म्यू एन के बराबर, म्यू के एन के बराबर, ठीक है। फ्रिक्शन की क्या वैल्यू थी, म्यू एन। जितना नॉर्मल रिएक्शन उतनी ज्यादा टाइट इंटरलॉकिंग होगी, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतनी टाइट इंटरलॉकिंग होगी, और जितनी टाइट इंटरलॉकिंग होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इसीलिए इट इज म्यू इनटू एन। म्यू डिपेंड्स ऑन द टू सर्फेसेस, ओके, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। नॉर्मल डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज द मास, एन इज इक्वल टू एम जी। अगर मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगा देता हूं तो इंटरलॉकिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने ये देखो, फिर से एक और चीज देखो, मैंने 2.5 लगाया, 2.6 लगाया, 2.6 पे चलने लग गया है ना, क्योंकि बॉन्ड्स टूट गए। तो फ्रिक्शन बड़ा ही सिंपल है बच्चों, देखो 1 न्यूटन पे फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन, 2 पे 2, 2.5 पे 2.5, अब 2.6 करते ही चलने लग गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वहां पे उससे ज्यादा नहीं रोक सकता फ्रिक्शन, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रोक सकता फ्रिक्शन। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, आपने थोड़ा पुश किया, मैं नहीं पुश हो रहा है ना, क्योंकि फ्रिक्शन, मेरे पैर इंटरलॉक्ड है ग्राउंड के साथ, ओके, मेरे पैर इंटरलॉक्ड है। अगर स्मूथ होता तो, अगर, अब बच्चों एक बहुत अच्छी चीज है, अगर स्मूथ होता यहां पे, फ्लोर स्मूथ होता तो आप फूंक भी मारते ना तो मैं चल जाता। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? अगर मैं एक बहुत बड़ा मास है, से 1 मेगाटन, और वो स्मूथ सरफेस पे पड़ा है, अगर मैं इसे ऐसे फूंक मार दूंगा ना तो भी चल जाएगा वो, है ना, या खाली ऐसे टल्ला दे दूं ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, समझ में आ रहा है, इट इज एब्सोल्युटली स्मूथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगेन मैं अब आपको फ्रिक्शन की फील फिर से आज के लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है तो आराम से स्की कर सकते हो, यहाँ पे करके देखो नहीं होगा, है ना, समझ में आ रहा है, तो फ्रिक्शन आप फील कर पा रहे हो। अब ये देखो यहाँ पे भी जब गाड़ी में ब्रेक्स लगते हैं तो ये डिस्क ब्रेक्स ये होते हैं, ये इसको पकड़ लेता है तो फ्रिक्शन, वो रगड़ जाता है इस पर, समझ लो, तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है तो इस व्हील को रोक देता है वो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये व्हील रुका, व्हील रुका, उसके बाद क्या हुआ, अब इसकी वेलोसिटी तो है ही, तो अब फ्रिक्शन कहाँ है, टायर और रोड के बीच में, तो इसीलिए कहते हैं टायर अच्छे होने चाहिए, वो बहुत सारे एड्स दिखाते हैं ना, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग जाता है। तो पहले तो आपने इसको रोका, मतलब रोटेटिंग व्हील को रोका डिस्क ब्रेक से, है ना, डिस्क ब्रेक से पहले तो व्हील को रोका तो व्हील रुक गया, बट ये पूरी चीज मूव कर रही थी, फिर रोड से फ्रिक्शन लगा। इसीलिए कहते हैं कि रोड बहुत हार्ड होनी चाहिए, है ना, रोड ज्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए। जब बारिश होती है तो क्या होता है, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, जब बारिश होती है, एक मिनट रुको, हाँ, तो जब बारिश होती है, यहाँ पे देखो, जब बारिश होती है तो पानी भर देता है इंटरलॉकिंग्स को, ठीक है, पानी इंटरलॉकिंग्स को भर देता ही है ना, ये आपका व्हील है, समझ में आ रहा है, तो ये इंटरलॉकिंग है फ्रिक्शन की। अब अगर देखो, अब मेरी बात सुनो, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में कि बनाना पील की वजह से फ्रिक्शन कम क्यों हो जाता है, फिसल क्यों जाता है इंसान, स्लिप क्यों हो जाता है, क्योंकि बनाना पील जो होता है ना, बड़ा ही वैसा होता है ना, गिलगिला सा होता है, तो ये इसको भर देता है, बहुत अच्छी तरीके से भर देता है, समझ में आ रहा है, तेल भी भर देगा इसको, तेल से भी फिसल जाते हैं हम, ऐसी सारी चीजों से, फ्लूइड से फिसल जाते हैं हम, ओके, सो दैट इज बिकॉज इंटरलॉकिंग भर जाती है और फिर वो बेसिकली स्लिप कर जाता है, इसीलिए कहते हैं कि फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है ऑयल लगाने से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये महाराज ये क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इनका फोर्स यहाँ पे, बट ये मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रिक्शन ने भी लगा दिया, बोला इंटरलॉक हूं मैं, हिला नहीं सकते तुम। अब देखो कैसे इंटरलॉक्ड है, अब यहाँ पे विजुलाइज करो, ये इंटरलॉकिंग है, यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग है, तो इसने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने भी लगा दिया, फ्रिक्शन भी एडजस्टेबल है। तो अगेन, अगर आप माइक्रोस्कोप पे किसी भी कितनी भी स्मूथ चीज को देखोगे, अब देखो आपका मोबाइल भी कितना स्मूथ है, बट अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये भी कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये भी कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग हो सकती है। अब ये देखो, अब ये दो सर्फेसेज है ना, दो सर्फेसेज, ये क्या है, ये है कोल्ड वेल्डिंग, है ना, सॉरी, ये क्या है, ये है इंटरलॉकिंग, ये इंटरलॉकिंग है। बट अब अगर मेरी दो उंगलियां फ्यूज हो जाए, समझ लो, अगर ये दोनों उंगलियां मेरी फ्यूज हो जाए, है ना, या मैंने कोई ऑपरेशन करा लिया या कुछ बॉन्ड्स बन गए, तो क्या होगा, तो कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगी, समझ में आ रहा है,
कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगी। कभी कभी हम ग्लास को रखते हैं ना टेबल पे, ग्लास को टेबल पे रखते हैं चिपका रह जाता है ग्लास, है ना, कभी कभी अगर फ्लूइड भी होता है वहां पे, मतलब चिपक जाती हैं चीजें। बहुत बार ऐसा होता है यार, कितनी बार फ्रिज मैग्नेट होता है, मैग्नेट तो चिपकता है बट फ्रिज मैग्नेट लगाते हैं तो कभी कभी वो बॉन्ड्स भी बना लेता है, निकलता ही नहीं है वो फ्रिज मैग्नेट, कभी कभी मैग्नेट वहीं का वहीं रह जाता है। समझ में आ रहा है ये क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड्स बना लेते हैं वो, कोल्ड वेल्डिंग मतलब बॉन्ड्स भी बन गए, ये दोनों सर्फेस के बीच में बॉन्ड्स बन गए हाई प्रेशर की वजह से। फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन होता है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं, वो फ्लूइड्स में पढ़ेंगे। फ्लूइड्स में जब तक हम फ्लूइड्स में पहुंचेंगे बच्चों इतना मजा आ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, हम फ्लूइड्स कैसे पढ़ेंगे। चलो बहुत फील करेंगे फ्लूइड्स को बट वो थोड़ा लेट आएगा। अब दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, मैंने कल क्या बताया था, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। अब ध्यान से देखो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब ये बंदा ऐसे देखो फोर्स लगा रहा है 50, तो इसने भी 50 लगा दिया। अब स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज करता है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अब हमने ये देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज फ्रॉम 0 टू, अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो फोर्स भी नहीं लगेगा, 0 न्यूटन लगा रहा हूं तो 0 न्यूटन होगा, 1 न्यूटन लगाऊंगा तो 1 हो जाएगा, है ना। 0 टू मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन, ओके ये क्या होती है, मैक्स वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, है ना, मैक्स वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है हमेशा, अगर बॉडी मूव कर रही है तो रगड़ रहा है, समझ लो रिलेटिव मोशन हो रहा है, रगड़ रहा है। तो भाई ये एफ के हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये हमेशा म्यू के एन के बराबर होती है, ओके, क्यों, हर सरफेस का म्यू एस होता है और म्यू के होता है। अब ध्यान से सुनो, स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉन्ड्स भी हैं तो म्यू एस ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड्स भी है, जैसे ही वो बॉन्ड्स टूटे, समझ गए, कोल्ड वेल्डिंग की वजह से जैसे ही वो बॉन्ड्स टूटे तो एकदम से वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दो होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, अब ध्यान से सुनना, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। अब ये एक डब्बा है, ये डब्बे आज हमारे कंपेनियंस है ना, इस डब्बे को बंद करो। तो ये डब्बा देखो, मैंने अब इस नीचे वाले डब्बे को ही मूव कर रहा हूं बट ये ब्लू वाला भी कर रहा है यार फ्री में, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये एज इट इज रह जाता है, ना, समझ में आ रहा है, इंटरलॉकिंग है इनके बीच में। तो जब मैं इसको मूव करता हूं तो ये भी मूव करता है। ठीक है, अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है, बच्चों जल्दी बताओ, इन दोनों के बीच में मेरे को चैट में बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, घिस रहा है, देखो रिलेटिव मोशन रहा है, खच 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 आवाज भी आ रही है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जब दो सर्फेसिस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, घिसाई हो रही है, तो दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये दोनों के दोनों इंटरलॉक्ड हैं, ध्यान से समझो, ये दोनों के दोनों इंटरलॉक्ड हैं, एक साथ चल रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, एक घसीट नहीं रहा है। जब घसीटता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और जब नहीं घसीटता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। बॉडी मूव कर रही थी बट स्टैटिक फ्रिक्शन था, क्या समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, ओके, व्हेन देयर इज, बट फ्रिक्शन था इनके बीच में। ब्लू वाला क्यों मूव किया? क्योंकि फ्रिक्शन था। अब देखो, अब काइनेटिक फ्रिक्शन दिखाता हूं, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दूंगा, देखो बहुत ज्यादा किया तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ तो रिलेटिव मोशन हो गया इनके बीच में, धीरे धीरे कुछ नहीं होता, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, जब मेहमानों के लिए ट्रे में चीजें लाते हो आप तो जल्दी नहीं लाते, बचपन में काफी सारी चीजें हमने तोड़ी है, ट्रे से गिर जाती हैं ग्लासेस और ये सब, है ना, सबने मार खाई है, पहला चाटा तभी पड़ता है जब ग्लास टूटता है, क्लियर, कितने लोगों को ऐसा हुआ है, ग्लास टूटा और थप्पड़ पड़ा, चलो कोई नहीं, ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज रिलेटिव फ्रिक्शन ऑलवेज, ओके, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अब देखो ये मूव ही नहीं कर रहा है, या तो मूव ही नहीं कर रहा, अब देखो, या ये वाला केस जो मैंने आपको बताया था, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, रिलेटिव मोशन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर फ्रिक्शन का पहला लेक्चर तो हो गया, अब आप बेसिक्स क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं पहले लेक्चर में चाहता था कि आप फ्रिक्शन को विजुलाइज करो, आज हम उसकी डिटेल में जाएंगे, पहले ये करा देता ना तो मजा नहीं आता, बिल्कुल मजा नहीं आता, हमने कभी चेंज ही नहीं की होती वो थिंकिंग की फ्रिक्शन इतना आसान हो सकता है, ये चैप्टर ऐसे हो सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल है, अब ये देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, अब अगर मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूं, है ना, और देयर इज मोशन, ओके, ये ग्राउंड है और इस पर ऐसे मोशन हो रहा है, तो मतलब रिलेटिव मोशन हो गया ना, देखो ये ऐसे स्टैटिक है, ये रिलेटिव मोशन हो गया, तो घिसाई हो गई, मतलब ये है काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, इट विल ऑलवेज, फ्रिक्शन इज योर एनिमी, फ्रिक्शन विल ऑपोज मोशन। अब देखो फ्रिक्शन ऐसा क्यों लगेगा, देखो यहां पे इसके दांत ऐसे हैं, ओके, इसके दांत ऐसे हैं, है ना, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो बेसिकली ये तो जीरो वेलोसिटी है इसकी, है ना, इसकी कुछ वेलोसिटी है वी, अब ये दांत बोलेगा रुक, फ्रिक्शन ऐसे लगा देगा, ये समझ में आ रहा है, एवरीवन कैन फील, अगर मैं इसको ऐसे मूव करूंगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये दांत, ये इंटरलॉकिंग इसको जाने नहीं देना चाहता, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, क्लियर, ओके,
अब कुछ कुछ केसेस करते हैं व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन. ओके बच्चों यहां पे देखो काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन. अब जैसे ये m है, ये वेलोसिटी v से चल रहा है और फ्रिक्शन है नीचे, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? अब बच्चों ध्यान से देखो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ध्यान से देखो ये ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन यहां लग रहा होगा और ये कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे एफ के, और इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू एन के बराबर होगी. ओके तो यहां पे एफ के इज इक्वल्स टू म्यू एन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी. क्लियर? क्योंकि दिख रहा है ये नॉर्मल है और ये एम जी है, तो एन इज इक्वल्स टू एम जी, तो म्यू एम जी. यहां पे कितना फोर्स लग रहा है? म्यू एम जी. ठीक है अब यहां पे देखो इसकी बात करते हैं. अब ये घसीटता हुआ नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ. समझे? क्योंकि इंटरलॉकिंग नहीं चाहती कि ये नीचे जाए. एवरीवन प्लीज सी, इंटरलॉकिंग नहीं चाहती कि ये नीचे जाए. देखो ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे, और ये होगा एफ काइनेटिक. अब ये एफ काइनेटिक क्या होगा? ये म्यू एन के बराबर होगा, पूरा म्यू एन. अगर म्यू एस और म्यू के नहीं दे रखा है, मतलब दोनों म्यू के बराबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम खाली म्यू दिया होता है, कंफ्यूज नहीं करते हैं म्यू एस अलग म्यू के अलग, है ना, समझ में आ गया? तो म्यू है, तो ये म्यू एन होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन पूरा लगता है. स्टैटिक में वैल्यू है ना, जीरो से लेकर म्यू एन. अब देखो यहां पे ये वी से चल रहा है तो ऐसा लगेगा. अब एन क्या है? म्यू एम जी कॉस थीटा होगा ना, ये क्या होगा? म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि नॉर्मल तुम्हारा एम जी कॉस थीटा के बराबर है, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा. ओके नहीं आया समझ में? देखो ये तुम्हारा नॉर्मल होगा. ओके और एम जी को तुम ब्रेक कर सकते हो, एम जी कैन बी ब्रोकन इन टू एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा? एम जी कॉस थीटा, और यहां पे क्या होता है? एम जी साइन थीटा होता है ना, एम जी साइन थीटा. तो फ्रिक्शन आपका पीछे लग गया, एम जी कॉस थीटा नॉर्मल बराबर हो गए. ठीक है, तो एम यू एम जी कॉस थीटा. अब देखो अब ये चीज अगर घसीटती हुई ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, है ना, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा. फिर से दांत को विजुलाइज करो, ये दांत रहे इसके, ये रेस्ट पे है, ये ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे लग जाएगा? ऐसे लग जाएगा. फील करो यार फ्रिक्शन को. ओके अब ये क्या होगा? फिर से म्यू एम जी कॉस थीटा म्यू एन. ओके तो यहां पे एन क्या है? एम जी कॉस थीटा के बराबर, एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा. क्यों होता है? क्योंकि ये एंगल थीटा होता है, ये एम जी ऐसे लग रहा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा फिर, क्योंकि ये पूरा 90 है. तो एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा. ठीक है लिख देता हूँ यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं माई डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ये एम वन है, ये एम टू है, ये M1 है, ये M2 है, ये ज्यादा तेज चल रहा है, तो ये ज्यादा तेज चल रहा है इस पे, है ना, ये ज्यादा तेज चल रहा है, या इसको चेंज कर दो, है ना, दो इसके पास V वेलोसिटी है, दोनों को VV दे दो, तो ये रेस्ट पे आ गया, ये V से चल रहा है, तो ये घसीट रहा है इस पे, है ना, ये घसीट रहा है. तो अब आपको यही बताना है कि फ्रिक्शन कहां लगेगा, M1 पे कहां लगेगा और M2 पे कहां लगेगा. तो बच्चों इसको कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो, ये M1 के ऊपर V वेलोसिटी से चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहां पे, है ना, ये ऊपर वाला 2V से चल रहा है, तो दोनों चल रहे हैं और ये भी इस पे चल रहा है, समझ में, ये ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये घसीट ऐसे रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, है ना, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है बट फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या ये भी तो लगाएगा फ्रिक्शन? अब ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा केस है, तो अब ध्यान से समझो इस चीज को. तो एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक फोर्स का एक जोड़ा होता है. अगर इस पे फ्रिक्शन, ध्यान से देखो, अगर इस पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है तो यही फ्रिक्शन इस पे ऐसे लगेगा. ठीक है, यही फ्रिक्शन इस पे ऐसे लगेगा. अब यार लेट्स अंडरस्टैंड दिस, अर्थ को बना देते हैं, काले पे आ जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो. सो एवरीवन फोकस, ये रही तुम्हारी धरती माता, ठीक है, दिस इज योर अर्थ. ओके अब ध्यान से सुनो, इस अर्थ पे तुम हो यहां पे, ओके, और ये रहे तुम्हारे पैर, ठीक है, ये रहे तुम्हारे पैर. अब तुम आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये इंटरलॉकिंग है. तुम आगे जब बढ़ते हो तो तुम आगे बढ़ते कैसे हो? तुम आगे बढ़ते हो क्योंकि तुम इसको पीछे पुश करते हो. मैं ऐसे पुश करके आगे बढ़ा, है ना, मैंने इसको पुश किया, अर्थ को पीछे मैं पुश किया तो खुद आगे गया. स्मूथ होता तो ऐसे ही करता रहता, अगर स्मूथ होता तो, ठीक है, तो मैं पुश करके आगे बढ़ा, तो भाई मेरे पे फोर्स लगा ऐसे है फ्रिक्शन, और अर्थ पे लगा फ्रिक्शन पीछे. बट अर्थ बहुत ही मैसिव है ना, अगर तुम ऐसे कूद रहे हो तो कोई एक और माइका लाल होगा जो ऐसे उल्टा पीछे कूद रहा होगा, समझ रहे हो, तो अर्थ को कुछ नहीं होता बिकॉज बहुत लोग इधर उधर कूद रहे हैं. ठीक है, क्लियर, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो इक्वल एंड ऑपोजिट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है ये फोर्स, ठीक है, ये और ये,
है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट लगते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यार इसके लिए जमीन ये हो गई ना, इसके लिए यही हो गया अर्थ, मतलब जमीन इसके लिए यही है। तो यार ये इस पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है तो इस पे ऐसे लगेगा, ये स्मूथ है यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा, खत्म। ओके दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एफ और एफ ऐसे लग रहा है, अब ये 2v है और ये v है ना, तो बेसिकली ये ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, ये कम वेलोसिटी से चल रहा है, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, खाली इस सरफेस पे देख लो, है ना, म्यू एन लगेगा इस पे, म्यू वन है ना, यहाँ पे वैल्यू म्यू एन है, तो म्यू वन क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो वो म्यू एन के बराबर होगा। यार सॉरी मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, रुको। फ्रिक्शन जो यहाँ पे लग रहा है, ध्यान से देखो, ये जो फ्रिक्शन एफ लग रहा है यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू म्यू वन एन, हाँ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम वन जी के बराबर होगा, ठीक है। इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एम वन जी के बराबर, बिकॉज ये ब्लॉक ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, एन इज इक्वल टू एम वन जी, है ना। तो ये क्या होगा, म्यू वन एम वन जी, ठीक है, ये फोर्स लगेगा इस पे पीछे, इस पे आगे, क्लियर। दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट, है ना, क्लियर है। चलो इसको भी ब्लैक पे देख ही लेते हैं, क्या रुको 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 रुको, है ना, इस पे भी देख ही लेते हैं। चलो इसको ये M1 है, ठीक है, और ये M2 है, ठीक है, ये है M1, ये है M2, और यहां पे म्यू वन है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, बड़ा वेक्टर है इसका 2v, इसका छोटा है ये v, ठीक है, तो ये ज्यादा रिलेटिव मोशन में ये ज्यादा आगे चल रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस पे कॉमन है, फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा, है ना, थोड़ा डिफरेंट कलर, है ना, इस पे फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा f, वही फ्रिक्शन, वही अर्थ वाला केस, इसका इसका इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर यहां पे होगा f, और ये f क्या होगा, है ना, ये म्यू एन के बराबर होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या है, एम वन जी, ठीक है, एन वन एम वन जी, तो एन वन इज इक्वल्स टू एम वन जी, और फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो पूरा लगता है म्यू एन वन, विच विल बी इक्वल टू म्यू वन, सॉरी म्यू वन एन वन, म्यू वन एम वन जी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, सवाल नहीं है बेसिकली, एक इलस्ट्रेशन है आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, बॉक्स इज स्लिपिंग, ये चीज स्लिप कर रही है, जैसे कन्वेयर बेल्ट पे अगर आप कुछ किसी चीज को डालते हो तो इनिशियली स्लिप करता है, फिर सेम वेलोसिटी से चलने लगता है ना। अब जैसे मैंने इसको कन्वेयर बेल्ट पे डाला है ना, कन्वेयर बेल्ट चल रही है ना, तो थोड़ी देर तो ये स्लिप होगा, फिर साथ साथ चलता रहेगा, समझ आ रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो तुमने इस डब्बे को जस्ट डाला है, ये कन्वेयर बेल्ट की तरह है, और तुमने इसको डाला है तो ये थोड़ा सा स्लिप करता है, थोड़ा थोड़ा स्लिप करता है ना। तो भाई अगर स्लिप कर रहा है तो कहां कर रहा है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है, वो फ्रिक्शन ढूंढो, वो फ्रिक्शन क्या होगा अगर ये स्लिप हो रहा है। ध्यान से देखो, ये एम अगर है तो स्लिप कर रहा है, तो ये देखो इसकी जमीन, बच्चों ध्यान से देखो, इसकी जो जमीन है, इसकी जो जमीन है, इसकी वेलोसिटी है वी, और इसको जस्ट रखा है तुमने, तो ये आगे जाना चाहता है, फ्रिक्शन इसे ले जाना चाहता है, ध्यान से देखो, ये फ्रिक्शन इसको ले जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, जल्दी से बताओ, तुमने जस्ट रखा है इसको, इसकी वेलोसिटी अभी जीरो है, तो ये इंटरलॉक हो गया, ये यहां जाना चाहता है, ये उड़ना चाहता है, ठीक है, तो इस पे लगा दो फ्रिक्शन, क्लियर। तो इस पे फ्रिक्शन कैसे लगाओगे, एफ, हमेशा फील करो यार, कभी रटना नहीं है, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को ऐसा करते हुए, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड व्हेन आई वाज अ टीचर, तब तब देखा है, और मैंने तब तब डाटा भी है कि आपको हमेशा दांत बना लेने चाहिए और विजुलाइज कर लो, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एवरी वन क्लियर कि कहां पे लगेगा, ओके, वेन एवर अ बॉडी इज स्लिपिंग तो इट इंप्लाइज दैट द फ्रिक्शन इज काइनेटिक, ओके, और अगर म्यू दे रखा है तो वो फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एम जी के बराबर होगा, म्यू एन के बराबर होगा, पूरा लगेगा, काइनेटिक है, घिस रहा है तो पूरा लग रहा है, ओके, जब तक स्टैटिक है, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो जीरो से म्यू एस एन कुछ भी हो सकता है, या म्यू एन, ओके। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल है ना। अब इस ब्लॉक पे मैंने वन न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी लग गया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाया, ये भी लग गया 2 न्यूटन, 3 लगाया, यहाँ पे 3 लग गया, 4 के बाद टूट गया ये, है ना, 4 के बाद एकदम से टूट गया, क्लियर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये देखो, अब मुझे नहीं पता है यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, हो सकता है मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, ये जस्ट मूव करने वाला है, बट आई डोंट नो, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज एट रेस्ट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा, टेंडेंसी कहां है जाने की, बच्चों टेंडेंसी कहां है जाने की, टेंडेंसी आगे है जाने की, इंटरलॉकिंग रोकेगी, ठीक है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा यहां पे लग जाएगा फ्रिक्शन, और ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एफ एस, तो यहां पे मैं लिखूंगा एफ एस इज इक्वल्स टू एफ, एफ एस इज इक्वल्स टू एफ,
ओके, जरूरी नहीं है कि ये म्यू एन के बराबर है ना। तो ये एफ एस क्या क्या हो सकता है, जीरो टू म्यू एस एन। अब मुझे नहीं पता एफ इज अ वैल्यू बिटवीन दैट, ऑब्वियसली इसीलिए रेस्ट पे है, क्लियर। अब यहां पे भी निकालते हैं, अब ध्यान से देखो यहां पे भी निकालते हैं कि यार यहां पे कितना फ्रिक्शन है। ओके, आपको फ्रिक्शन निकालना है इसमें, यहां पे कितना फ्रिक्शन है, ये चीज रेस्ट पे है, समथिंग लाइक दिस। अगर ये डब्बा है, इसको मैंने कुछ इंक्लाइन दे दिया, ये देखो रेस्ट पे, रेस्ट पे, रेस्ट पे, अभी भी रेस्ट पे, रेस्ट पे, रेस्ट पे, रेस्ट पे, अब गिर रहा है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कहां पे, कुछ तो थीटा पे है, तो बस मुझे फ्रिक्शन निकालना है। तो भाई इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, बट क्यों नहीं आ रहा, इंटरलॉकिंग की वजह से नहीं आ रहा, इंटरलॉकिंग की वजह से नहीं आ रहा। तो देखो यहां पे इसके दांत ऐसे हैं, इसके दांत ऐसे हैं, है ना, ये mg sin थीटा लग रहा है यहां पे, सबको पता है लग रहा है ना। तो ये नीचे आना चाहता है, ये आना चाहता है नीचे। अब ध्यान से देखो n, बट फ्रिक्शन बोल रहा है कि मैं गिरने नहीं दूंगा तुम्हें, ध्यान से देखो। तो ये n लग रहा है यहां पे, ये क्या है mg cos थीटा है यहां पे, mg cos थीटा है यहां पे, यहां पे क्या लग रहा है mg sin थीटा लग रहा है, बट ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि फ्रिक्शन बोल रहा है आई एम देयर फॉर यू, ठीक है, फ्रिक्शन बोल रहा है आई एम देयर फॉर यू, फ्रिक्शन लग गया यहाँ पे। क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि रेस्ट पे है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, एम जी साइन थीटा, और कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू एस एन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू एम जी कॉस थीटा, बट अभी एम जी साइन थीटा के बराबर है, क्योंकि यही फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शन उतना ही लगता है, स्वाद अनुसार लगता है, तुम जितना ज्यादा लगाओगे उतना लग जाएगा, है ना, क्लियर। चलो ऑसम, बहुत बढ़िया, आई थिंक 314 लाइक्स हो गए हैं, द पाई नंबर, वाओ अमेजिंग, मैंने 315 कर दिया इसको। चलो बढ़िया, ऑसम गाइस, हमने टारगेट क्या रखा था, 500 लाइक्स बिफोर दिस क्लास एंड्स। और बच्चों अभी के अभी शेयर करो, डू दिस काइंड एक्ट ऑफ शेयरिंग, क्वालिटी एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल, शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल, तो अभी के अभी शेयर करो, ओके। एंड एवरीवन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर इट राइट नाउ, शेयर बटन दबाओ, शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, शेयर इट ऑन योर फेसबुक ग्रुप्स, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस विल मीन द एंटायर वर्ल्ड टू अस, ओके। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट हम ये चाहते हैं कि ये क्वालिटी एजुकेशन उस घर तक पहुंचे जो अफोर्ड नहीं कर सकता। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, खुद बताओ यहां पे कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट जाते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पे कितना बेटर है, कितने लोगों को ऐसा लगता है, कितने लोगों को, जल्दी बताओ। अब यहां पे देखते हैं, एवरीवन हैव अ लुक एट दिस, क्योंकि यार हम वहीं से आए हैं। अब ध्यान से देखो, दिस इज एम एंड दिस इज म्यू, ओके। अब तुम इसको ऊपर पुश करना चाहते हो, बट ये रेस्ट पे ही है, तो इस पे फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, अब ध्यान से देखो, ये रेस्ट पे ही है, तुमने थोड़ा सा फोर्स लगाया ऊपर, देख सकते हो, तो हाँ या ना में जवाब दो, आई होप एवरीवन कैन सी अस, ठीक है। हम यही कर रहे थे, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल्स किए थे, ये वाले एग्जाम्पल्स किए थे अभी, है ना, और उसके बाद हमने क्या एग्जाम्पल्स किए थे, बॉक्स इज स्लिपिंग, ठीक है, हाँ इट्स ऑल गुड नाउ, ओके, बॉक्स इज स्लिपिंग, और उसके बाद है ना ये वाला एग्जाम्पल किया था, क्लियर, ओ माय गॉड, ऑडियंस बढ़ गई है, अमेजिंग, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन किया था, उसके बाद क्या किया था, अब किलर विजुअलाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द पॉइंट जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। हम ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि यार यहां पे फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, बच्चों देखो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहां पे क्या वैल्यू होगी, है ना, ध्यान से देखो, तो यहां पे कैसे निकालेंगे वैल्यू, ओके, अब यहां पे क्या वैल्यू निकालेंगे, ओके, ये देखो यहां पे F लग रहा है और ये म्यू है एंड इट इज एट रेस्ट, ठीक है, इट इज एट रेस्ट, और ये थीटा है, तो क्या होगा फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं। अब ध्यान से देखो यहां पे एवरीवन, ये इस पे ये M है, तो इस पे क्या लग रहा होगा, यहां पे mg cos थीटा, वैसे इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये लग रहा होगा n, mg को मैंने तोड़ दिया अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा mg sin थीटा। फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, फ्रिक्शन कहीं भी लग सकता है। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर एफ और एम जी साइन थीटा सेम है तो फ्रिक्शन जीरो हो गया, है ना, और अगर अगर अब ध्यान से सुनो, अगर एफ ज्यादा है एम जी साइन थीटा से तो नेट फोर्स ऊपर हो गया तो फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा। इसको रेस्ट पे रखा है फ्रिक्शन ने, इंटरलॉकिंग है ना, तो फ्रिक्शन कहीं भी लग सकता है। तो यहां पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो मैं यहां पे एक चीज बोलता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पे बोलता हूं कि एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, ओके, फॉर दिस केस आई एम ड्रॉइंग, अगर F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा तो नेट अपवर्ड फोर्स है, तो इंटरलॉकिंग रोकेगी, इंटरलॉकिंग रोकेगी, ध्यान से देखो, तो देयर विल बी एन इंटरलॉकिंग। यहां पे देखो दांत है, तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, इसकी टेंडेंसी F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा नीचे। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो अगर F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा तो फ्रिक्शन को क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा F प्लस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल F। ये स्टैटिक वाला केस था, तो F क्या हो गया, तो हाँ, तो F इज इक्वल्स टू
कैपिटल एफ माइनस एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल केस है, ये हमने कर रखा था। अब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या था, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे खाली एक ही फोर्स है नीचे, एम जी साइन थीटा। नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा तो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो इनको लिखते लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये तो एक दूसरे को मार रहे हैं, खत्म खत्म। और यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन इसके बराबर होगा, इसको रेस्ट पे रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब इस केस में देखो, इस केस में ऐसा भी तो होता है ना, अब देखो यहाँ पे ये वर्टिकल वॉल है, अब ये वर्टिकल वॉल पे अब ये नीचे गिरना चाहता है, बट इसको मैंने पकड़ के रखा है, देखो ऐसे फोर्स लगा रखा है, इंटरलॉकिंग करा दी मैंने इसकी, इंटरलॉकिंग करा दी, नहीं तो एम जी उसे नीचे ले जाता, इंटरलॉकिंग करा दी मैंने इसकी, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये इसको मैंने ऐसे पुश करके रखा है, तो यही नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरलॉकिंग इसको नीचे नहीं जाने दे रही है क्योंकि ये नीचे जाना चाहता है। अब ध्यान से देखो इस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं, एम जी एक, अब देखो यहाँ पे इंटरलॉकिंग ऐसी है, यहाँ पे ये दांत ऐसे है, इंटरलॉक कर दिया मैंने इसको, तो यार ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, है ना। अब और इंटरलॉकिंग, ये नीचे जाना चाहता है, यहाँ पे एक ही फोर्स है एम जी, कौन सा फोर्स रोक रहा है इसको, फ्रिक्शन रोक रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन रोक रहा है। तो फ्रिक्शन कैसे लग जाएगा, अब फ्रिक्शन को थोड़ा डिफरेंट कलर में ड्रॉ करते हैं, फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे, ये रेस्ट पे है ना, तो एफ एस ऐसे लग जाएगा। तो आप कैसे क्या लिखोगे, आप लिखोगे है ना कि एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी, दिस इज इक्वल्स टू दिस, एंड एफ इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, F is equals to N and F S is equals to mg. mg के बराबर है friction. Clear है? Okay. I hope सबको clear है. अब static friction वैसे बड़ा ही मस्त होता है. Static friction is something which ranges from 0 to mu s n. Okay, ये maximum value होती है, ये minimum value होती है. इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है इन दोनों के बीच में. Okay, अगर खाली mu दे रखा है तो mu n. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Now let's have a look at this. Static friction, when there is no relative motion, the friction is static, है ना, मतलब अब देखो, अब मैं इन दोनों को ऐसे move कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे move कर रहा हूँ, तो इनके बीच में relative motion नहीं है, घिस नहीं रहा है ना, तो ये इन दोनों के बीच का friction है, क्योंकि blue वाले पे मैंने कोई force नहीं लगाया, still it is moving, why it is moving, because of the static friction, clear, because of the static friction, क्योंकि कोई रगड़ाई नहीं हो रही है इसमें, तो everyone please see, अब यहाँ पे अगर कोई slipping नहीं हो रही है, अगर कोई slipping नहीं हो रही है, मतलब ये भी move कर सकता है ना, अगर मैं इसको move करता हूँ तो ये भी move कर सकता है अगर ये smooth है, और अगर मैं इसको move कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में interlocking है, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में ऐसे interlocking है, कैन यू ऑल सी दिस, interlocking है, तो ऐसे move कर सकता है। सिमिलरली ये ट्रे वाला केस है, ये ट्रे वाला केस है, ये भी मूव कर सकता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ तो होगा ना। अब ध्यान से देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखो तुम इसको ऐसे मूव कर रहे हो, तो इन दांतों की वजह से इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, ध्यान से देखो इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, स्लिपिंग नहीं हो रही है, दोनों साथ में मूव कर रही है, तो इस पे लग जाएगा एफ एस ऐसे, और इसको आगे मूव कौन कर रहा है, यही इसका थर्ड, इसका भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो एफ एस इस पे ऐसे लग गया। नाउ बच्चों मैं इसको डेमोंस्ट्रेट किया है, अगेन प्लीज सी, तो आप अपने प्यारे समीर सर और जैन सर को भी देख सकते हो यहाँ पे, एवरीवन प्लीज सी, मैंने डेमोंस्ट्रेट किया इसको कि जब मैं नीचे वाले ब्लॉक को मूव करता हूँ, एवरीवन प्लीज सी, जब मैं ऐसे नीचे से मूव करता हूँ तो क्या होता है, ऊपर वाला ब्लॉक भी मूव कर रहा है उसके साथ, ये देखो नो स्लिपिंग, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, देख रहे हो, समझ गए अच्छी तरीके से, सो दिस इज अ किलर विजुअलाइजेशन डेमोंस्ट्रेटेड फॉर दिस। अब दूसरा वाला केस, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक को मैं पे एफ लगा रहा हूँ, तो नीचे वाला भी, मैं नीचे वाले को छू नहीं रहा, बट नीचे वाला स्टिल आ रहा है इसके साथ, देखो मैंने खाली ऊपर वाले को मूव किया, नीचे वाला भी इसके साथ मूव कर रहा है, और कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये क्या केस है, दिस इज द केस जहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है इनके बीच में, क्लियर है। ओके, ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेक्स्ट क्लास में आप इसका बाप विजुअलाइजेशन देखने वाले हो, लेक्चर 3, वो आपके एडवांस्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मिस मत करना उसको, और एक क्विज भी करने वाले हैं उससे पहले। अब ध्यान से देखो, नाउ दिस इज वन मोर केस, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और केस, अब ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, देन ऑल्सो देर इज नो स्लिपिंग, अब आपको क्या निकालना है, चलो स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं इस केस में। अब अगर कोई गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है और ये स्लिप नहीं कर रहा, साथ साथ आ रहा है इसके, तो अब आपको बताना है कि फ्रिक्शन क्या है, निकालें, चलो निकालते हैं। तो इनके दांत ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो इनके दांत ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में इंटरलॉकिंग है, अब ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये साथ चल रहा है इसके, ठीक है, साथ चल रहा है। अब मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, ठीक है, क्या मैं एक एक्सेलरेटेड फ्रेम पे हूँ, हाँ, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है तो मुझ पे स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। अब तुम यहाँ पे बैठ गए, अब तुमने यहाँ पे बैठ के क्या बोला कि यार इस पे ना एक फोर्स तो लग रहा है एम ए स्यूडो, यहाँ पे अगर इसका मास है एम
तो एम ए लग रहा है, ओके बहुत बढ़िया एम ए लग रहा है, बट तुम बोलोगे स्लिप नहीं कर रहा, ये रेस्ट पे है, तुम बोलोगे रेस्ट पे है, तो तुमने एक स्यूडो फोर्स लगा दिया यहाँ पे, और फिर तुम बोलोगे फ्रिक्शन ये पीछे जाना चाहता है बट फ्रिक्शन रोके हुए है इसको, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो इसको तुमने ड्रॉ कर दिया, सो दिस इज योर फ्रिक्शन एफ एस, ओके। और अब ध्यान से एक और चीज देखो, है ना, अब ये इस पे भी ऐसे लगेगा एफ एस, बट ये तो गाड़ी है, गाड़ी का नहीं ड्रॉ कर रहे, है ना, गाड़ी का हम वी आर नॉट वरीड अबाउट द कार, है ना, तो अब यहाँ पे देखो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, बस इतना सा है ना, तो ये बच्चा क्या बोलेगा, ये बच्चा बोलेगा यू नो वॉट द फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, और नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, उसको हमें बात नहीं करना, एफ एस इज इक्वल टू एम ए, और कोई बेटर तरीका है, ओके। अब अगर ये सॉल्व नहीं कर रहा होता तो दूसरा कोई कर रहा होता, अब मैं यहां से नहीं लिखता इक्वेशन, मैं लिखता हूं जमीन से, ठीक है, मैं लिखता हूं जमीन से, ध्यान से देखो, है ना, अब मैंने क्या बोला, अब मैं यहां पे हूं, अगर तो ये बच्चा यहां पे, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता है, ये बोल रहा है कि गाड़ी ये दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं ऐसे, ये दोनों कर रहे हैं एक्सेलरेट ऐसे, और क्योंकि फ्रिक्शन है तो दैट इज वाई द फ्रिक्शन इज एक्टिंग लाइक दिस, क्योंकि ये चीज एक्सेलरेट कर रही है ना, ये चीज एक्सेलरेट कर रही है, तो ये भी करेगा साथ में, क्यों करेगा, फ्रिक्शन की वजह से करेगा, तो इस बच्चे ने क्या लिखा, फ्रिक्शन, और फिर बोलेगा दोनों के दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं ऐसे, तो वो क्या लिखेगा, ये लिखेगा एफ एस इज इक्वल्स टू एम ए, इससे भी सेम आया, उससे भी सेम आया, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव, ओके आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अब यार ये कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट है ना, तो इस कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है, क्यों लगता है, अब ध्यान से देखो, अब कन्वेयर बेल्ट के दांत हैं, ये कन्वेयर बेल्ट के दांत हैं, और ये दांत आगे मूव कर रहे हैं वेलोसिटी वी से, तो अगर मैं इस पर कुछ भी रखता हूँ बच्चों, अगर मैं इस पर कुछ भी रखता हूँ तो ये उसको आगे ले जाएगा ना, देखो फील करो, अगर इसकी वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन कैसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, वाकई वाकई में ऐसे लगेगा, राइट, तो बस सिंपल है, विजुलाइज करा करो, दांत बना दो, ठीक है, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इसको आगे मूव कराना चाहता है, तो इनिशियली ये चीज रेस्ट पे है, तो कन्वेयर बेल्ट में मैं बताता हूँ क्या होता है, इनिशियली रिलेटिव मोशन होता है, यहाँ पे ये जीरो पे है, ये वेलोसिटी वी से चल रहा है, तो फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन लग रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन भाई, तो एक तो फ्रिक्शन लग रहा है, घसीट रहा है तो पूरा फ्रिक्शन लगेगा, म्यू एन के बराबर, म्यू एम जी के बराबर, तो वो फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दोनों एक्सेलरेट करेगा, दोनों की जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो देखो ये रगड़ाई नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है तो भाई आराम से जा रहे हैं आगे, क्लियर, ओके आई होप सबको समझ में आ गया, ओके आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बातें करेंगे अब हम, अब यार अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, अपोज करेगा, नहीं तो टेंडेंसी को अपोज करेगा, जैसे अब ये चीज मूव नहीं कर रही है, तुमने फोर्स तो लगाया 10 न्यूटन तो ये मूव करना चाहिए, है ना, 10 न्यूटन फोर्स है, फ्रिक्शन ने 10 न्यूटन पीछे लगा दिया, क्लियर, अब तुमने 11 लगाया तो फ्रिक्शन ने 11 लगा दिया, बहुत पावर है फ्रिक्शन में भारी चीजों के लिए, क्योंकि भारी चीज ज्यादा नॉर्मल, जीरो से म्यू एन तक फ्रिक्शन लग सकता है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो ये बहुत अच्छा केस है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अब यहां पे भी इंटरलॉकिंग है, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, देखो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो यार, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो रगड़ाई नहीं हो सकती, तो फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा, देर इज नो रिलेटिव मोशन, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, सो देर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन इन स्पेस आई एम फ्लोटिंग विद वी, इवन वन मोर ब्लॉक इज फ्लोटिंग विद वी कैन शेक हैंड्स एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, फ्रिक्शन नहीं होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो दोनों सेम से चल रहे हैं, समझ में आ गया, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, सेम वेलोसिटी, सिमिलरली अब यहाँ पे अगर ऐसा होता कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, अब अगर ये ज्यादा तेज है तो ये ऐसे जा रहा है, तो रगड़ रहा है ये पीछे की तरफ, है ना, तो इसका फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इसका फ्रिक्शन आगे लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मैं तुम्हें पुश करता हूं तो मैं यहां जाऊंगा तुम वहां जाओगे, हम दोनों पे फोर्स लग जाता है, सिमिलरली फ्रिक्शन भी ऐसे ही है, इस पे पीछे लग रहा है तो इस पे आगे लगेगा, है ना, अब इन दिस केस जब दिस इज फास्टर, अब नाउ दिस इज वी बी इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर, तो क्या होगा, फ्रिक्शन विल अपोज, है ना, ये ज्यादा तेज चलना चाह रहा है तो ये फ्रिक्शन बोलेगा स्टॉप, है ना, और इसको फ्रिक्शन आगे ले जाएगा, क्लियर है, इसको फ्रिक्शन आगे ले जाएगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इन द केस ऑफ फोर्सेस, इन द केस ऑफ फोर्सेस एंड नो स्लिपिंग, समझ में आ रहा है, यहां पे फोर्सेस लग रहे हैं और
स्लिपिंग नहीं हो रही है. ओके, अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, अगर दोनों फोर्सेस एफ ए और एफ बी दोनों सेम है और दोनों मासेस भी सेम है तो एक्सेलरेशन सेम होगा. अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, बच्चों अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो अगेन कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, राइट? देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन और अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, अगर दोनों सेम मासेस भी होंगे तभी. क्लियर है? तो ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी फॉर मासेस टू बी सेम, तो तभी ऐसा होगा. बट अगर मैंने बोल दिया कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, एफ ए इज ग्रेटर देन दिस, तो ये इससे ज्यादा तेज हो जाएगा, इससे ज्यादा तेज होने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रोक रहा है इसको, है ना, फ्रिक्शन रोक रहा है. एवरीवन कैन सी दिस, फील दिस, समझ में आ रहा है? दांत ड्रॉ कर दो. तो ये ज्यादा फास्ट है तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा और इसको आगे बढ़ाएगा. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विजुलाइज फ्रिक्शन एंड डायरेक्शन. ठीक है, अब यहां पे देखो इसका ज्यादा एक्सेलरेशन है ना, तो ये आगे ज्यादा मूव करना चाहता है तो इसको फ्रिक्शन अपोज करेगा, इसको वो करेगा फैसिलिटेट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये हमने कल पढ़ा था, वी हैड लर्न दिस यस्टरडे. फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन. म्यू डिपेंड्स ऑन द सरफेस, म्यू डिपेंड्स ऑन द सरफेस म्यू. ओके, म्यू इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड द नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन. अब सबको पता है नॉर्मल, जितना नॉर्मल उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग. अब ये देखो, अभी इस ब्लू वाले डब्बे का नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन इज एम एन इज इक्वल्स टू एम जी. अब मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, इंटरलॉकिंग टाइट हो गई, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा हो गया ना, इंटरलॉकिंग. देखो विजुलाइज करो, देयर टीथ हैव बिकम स्ट्रॉन्गर, है ना, तो एम जी एन. अब ये क्या है, फोर्स 10 लगा रहा हूं मैं, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी प्लस 10, प्लस 10, तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा. क्लियर है? समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा अगर इंटरलॉकिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो डिपेंड्स ऑन म्यू एंड एन ऑन द सर्फेस, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सर्फेस. अब ये भी सर्फेस का ही फोर्स होता है. अब ध्यान से देखो, अब अगर यहां पर मैंने एक ब्लॉक को रखा, ठीक है, जनरली इन योर बुक्स यू विल नॉट फाइंड दीज काइंड ऑफ फिगर्स, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ आपको विजुलाइज कराने के लिए. तो ये एम है, ठीक है, अब इस पे एक तो नॉर्मल रख रहा है, ये भी फ्रॉम द ग्राउंड है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, वन इज परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, वन इज अ फ्रिक्शन. अब मैं अगर इसको यहाँ से 10 न्यूटन से कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग जाएगा एफ. आर यू ऑल सीइंग? एंड एक और चीज, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम, मतलब अगेन अगर मैं म्यू एन के बराबर लगाऊंगा तो उतना ही फ्रिक्शन लग जाएगा, या अगर मैं उससे ज्यादा भी लगाऊंगा तो म्यू एन लग जाएगा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब एक और चीज, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, अगर रगड़ाई हो रही है तो इट इज अ कॉन्स्टेंट फोर्स, है ना, इफ देर इज काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज इक्वल टू म्यू एन. अगर म्यू के दे रखा है तो म्यू के एन, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन. स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स, भाई मतलब देयर इज अ फ्रिज, जीरो से मूव नहीं किया, वन से मूव नहीं किया, जीरो, वन न्यूटन पे वन न्यूटन लगा देगा, तो इट्स एन एडजस्टेबल फोर्स. तो एफ एस रेंजेस फ्रॉम, ओके, इट रेंजेस फ्रॉम जीरो टू म्यू एस एन, ठीक है, इसके बीच में होता है रेंज, ठीक है, म्यू एस एन तक ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है. यहाँ पे बॉन्ड्स टूट जाते हैं और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो कम हो जाता है. ओके, अब यहाँ पे देखो सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन. अब इस केस में बताओ जल्दी से काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा. अब घसीट रहा है तो पूरा लग जाएगा म्यू एन के बराबर, म्यू दे रखा है ना, म्यू एस म्यू के भूल जाओ, खाली म्यू है ना. अब यहां पे देखो, एवरीवन प्लीज सी, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज एम जी, ओके, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी, और क्योंकि ऐसा लग रहा है तो फ्रिक्शन पूरा लगेगा, फ्रिक्शन इज काइनेटिक, ओके, तो ये पूरा लगता है म्यू एन के बराबर लगता है, तो क्या होगा, एफ के विल बी इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है, म्यू एन म्यू एम जी, एन इज एम जी. ओके, आगे यहां पे देखो, एवरी वन प्लीज सी दिस, अब यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये नीचे जा रहा है, ओके, सो दिस इज गोइंग डाउन, ओके, इट इज गोइंग डाउन, फ्रिक्शन कहां लगेगा, यहां पे लगेगा, कितना लगेगा, म्यू एन के बराबर लगेगा, पूरा लग जाएगा, दिस इज योर एफ के, और यहां पे नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा, तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये नॉर्मल है, ये एम जी कॉस थीटा है, ध्यान से देखो ये क्या है, एम जी कॉस थीटा, तो एफ एन कितना हो गया, एफ एफ के सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहां पे एफ के इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा. यहां पे एवरीवन प्लीज सी, यहां पे ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, है ना, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है इसको, तो फ्रिक्शन लगेगा यहां पे, है ना, एफ के, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू म्यू एन, सेम यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा इज इरेलेवेंट फॉर मी, ठीक है, आई ओनली वॉन्ट द नॉर्मल रिएक्शन, सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा. क्लियर?
चलो बहुत बढ़िया, ओके 500 लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों, लेट्स इंक्रीज आवर टारगेट टू 700 लाइक्स बिफोर दिस लाइव क्लास एंड्स, बिफोर दिस लाइव क्लास एंड्स कैन वी एम फॉर 700 लाइक्स, ओके चलो एवरी वन, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है ना, आगे करते हैं। अब जैसे ये एक और क्वेश्चन है, एम वन एम टू, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑन दिस सरफेस, ये भी रफ है ये भी रफ है, तो इस पे है म्यू वन इस पे है म्यू टू, रिलेटिव मोशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इस पे भी हो रहा है, ये जीरो पे है ये वी पे है, तो इस पे भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस पे भी लग रहा है, तो पूरा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, पूरा लगता है म्यू एन के बराबर, ठीक है। सो नाउ टेल मी, ड्रॉ ऑल द डायरेक्शंस ऑफ फ्रिक्शन, तो लेट्स टेक द अपर वाला ब्लॉक, ओके बच्चों, नाउ लेट्स टेक द अपर वाला ब्लॉक, सो इफ आई टेक एम वन, एवरीवन प्लीज सी, एम वन की बात करता हूँ, ठीक है, एम वन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू वन है ना, और इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, एवरीवन प्लीज सी, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम वन जी, एन वन इज इक्वल्स टू एम वन जी, ठीक है, और फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अब देखो ये वाली जो सरफेस है ना, इसकी जो सरफेस है ये चल रही है वेलोसिटी वी से, और ये भाई साहब खुद चल रहे हैं टू वी से, ठीक है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसे रोकेगा ना, कॉमन सेंस की बात है, तो फ्रिक्शन लगा दो, ये वैसे इसको ये वेलोसिटीज है ना, दिस इज द वेलोसिटीज, ये फोर्सेस नहीं है, तो फ्रिक्शन को मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, दिस फ्रिक्शन विल बी एफ वन विल बी इक्वल टू म्यू वन एन वन, ठीक है, म्यू वन एन वन, और ये फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू वन एम वन जी, म्यू वन एम वन जी के बराबर होगा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गंदा लिखा है इसको, इसको फिर से मिटा के लिख देते हैं, एवरीवन प्लीज फोकस, तो ये क्या होगा, म्यू वन एम वन जी के बराबर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोअर ब्लॉक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोअर ब्लॉक, यहाँ पे दो फ्रिक्शन लगेंगे, अब ध्यान से देखो दूसरे ब्लॉक पे, एवरीवन प्लीज सी, ये जो नीचे वाला ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है, अब ये सरफेस पे आगे चल रहा है, सरफेस ग्राउंडेड है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, है ना, तो एवरीवन विजुलाइज M2 पे क्या होगा, M2 पे इसका तो भाई लग जाएगा यहां पे, एवरीवन प्लीज सी, इसका इक्वल एंड ऑपोजिट, ये F1 इस पे ऐसे लग रहा है, तो इस पे ऐसे लग रहा होगा F1, तो इस पे एज इट इज लगा दो F1 व्हिच इज इक्वल्स टू म्यू वन एन वन, ठीक है, म्यू वन एन वन, और क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, अब एवरीवन यहां पे पूरा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, M1 प्लस M2G, है ना, M1 प्लस M2G, बट एकदम से वैसे समझ में नहीं आता, बट ये देखो ये नॉर्मल रिएक्शन N1 है, तो इसका न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से यहाँ पे N1 लग जाएगा, अगर ये N1 इसको पुश कर रहा है तो ये भी तो पुश हो रहा होगा N1, यहाँ पे देखो ये N1 से पुश हो रहा है, इस पे लग रहा है N2 नीचे, ओके और इस सरफेस पे N2 लग रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, यहाँ पे लगेगा ना, क्योंकि ये सरफेस तो रेस्ट पे है, दिस सरफेस इज एट रेस्ट, तो यहां पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और वो कितना होगा, म्यू एन टू के बराबर, क्योंकि इस सरफेस पे एन टू है नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां पे क्या लगेगा, म्यू टू एन टू, क्योंकि यहां पे इस सरफेस पे म्यू टू है, क्लियर, यहां पे म्यू वन था यहां पे म्यू टू है, तो यहां पे म्यू टू एन टू लगेगा, क्या ये सारे फोर्सेस ड्रॉ कर दिए मैंने, हाँ एक एम जी भी लगेगा, सॉरी है ना, तो एक ये भी लगेगा एम टू जी, तो यार इसमें आप नॉर्मल टू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो यार, क्यों नहीं निकाल सकते, एन टू क्या होगा, एन टू विल बी इक्वल टू एम टू जी एन वन, है ना, बैलेंस ऑल द फोर्सेस, एन टू इज इक्वल टू एन वन प्लस एम टू जी, एन वन प्लस एम टू जी, और एन वन क्या था, एन वन क्या था, यहां पे देखो यहां पे एन वन वॉज इक्वल टू एम वन जी, ठीक है, तो इस चीज को आपने यहां पे डाल दी, तो एन टू वैसे भी मैंने बोला था ना, एम वन प्लस एम टू जी, एम वन प्लस एम टू जी, है ना, देखो वही आ गया, एम वन प्लस एम टू इन टू जी, ये आपका आ गया N2, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, है ना, यहाँ पे जो F2 था ये था म्यू टू एन टू, ठीक है, तो फ्रिक्शन निकाल दिया यहाँ से आपने, दूसरा भी F2 विल बी इक्वल टू म्यू टू इन टू एम वन प्लस एम टू इन टू जी, खत्म, आपने दोनों फ्रिक्शन निकाल दिया, और सारे फ्रिक्शन के डायरेक्शन भी आपके सामने है, क्लियर, यू कैन गो थ्रू दिस बच्चों, एंड बच्चों बाय द वे यू कुड हैव ऑल्सो डन दिस इन दिस वे, टेक दिस एंटायर थिंग एज अ सिस्टम, तो इसमें जो फ्रिक्शन जो इस पे ऐसे लग रहा है और इस पे ऐसे लग रहा है, दैट इज एन इंटरनल फोर्स, बोथ ऑफ देम एज सिस्टम, नॉर्मल क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू जी, तो आप ये वाला फ्रिक्शन सिस्टम लेके भी कर सकते थे, हैड यू टेकन बोथ ऑफ देम एज अ सिस्टम, टोटल वेट क्या है एम वन प्लस एम टू जी, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दिस सर्फेस इज एम वन प्लस एम टू जी, एन वन एन टू इज इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू जी, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन टू,
म्यू टू इंटू एन टू है ना, क्योंकि यहाँ पे म्यू टू है, तो वैसे भी निकाल सकते थे दूसरा फ्रिक्शन का वैल्यू, बट यहाँ पे मैंने आपको पूरी तरीके से दिखा दिया कि कैसे करना था इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस ओके एवरीवन, थोड़ी और डिटेल। अब ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है और अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, देन इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द फ्रिक्शन का वैल्यू, क्यों एक चलती हुई लिफ्ट में ये ऐसे चल रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा है। फ्रिक्शन क्या लगेगा? म्यू एन है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल बी ओके, यहाँ पे देखो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, क्लियर, म्यू इंटू एन। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्यूडो फोर्स से भी कर सकते हैं, या मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठा होता तो मैं क्या लिखता, नॉर्मल इज इक्वल्स टू ऊपर एक्सेलेट कर रहा है नीचे स्यूडो फोर्स लगा दो, एम जी प्लस एम ए, नॉर्मल इज एम जी प्लस एम ए है ना, आपने ऐसे निकाल लिया। इफ यू आर सिटिंग इनसाइड आई विल से, इफ आई एम सिटिंग इनसाइड आई विल से दिस इज एट रेस्ट, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग, तो पुट अ स्यूडो फोर्स ऑल्सो, मास इंटू ऑपोजिट एक्सेलरेशन। तो भाई इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वॉन्ट टू सी इट। अब मैं इसे ग्राउंड से कर रहा हूँ, आई एम सिटिंग हियर, सो बेसिकली दिस गाय विल से कि दिस एंटायर थिंग इज एक्सेलरेटिंग अप। अब इस पर क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, एक लग रहा है नॉर्मल ऊपर, एक लग रहा है एम जी नीचे, एंड दिस इज एक्सेलरेटिंग विथ ए। तो वॉट इज दिस गाय गोइंग टू राइट, दिस गाय इज गोइंग टू राइट एन नेट अपवर्ड फोर्स एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिखेगा। तो यहाँ से नॉर्मल आ गया, नॉर्मल इज एम जी प्लस एम ए, ओके फ्रिक्शन का क्या वैल्यू है, म्यू एन विच इज म्यू एम जी प्लस एम ए, क्लियर हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट, यही निकालना था यहाँ पे है ना, एम जी प्लस एम ए, दिस इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। ओके काइनेटिक, अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर मैं फोर्स एफ लगा रहा हूँ और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, एंड इफ दिस इज एट रेस्ट, इफ दिस इज एट रेस्ट, तो यार इस पे, इस मास पे स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, यू नेवर नो क्या होगी यार। तुम बस बोलोगे दैट दिस विल बी इक्वल टू एफ एस, इट कैन बी फ्रॉम जीरो टू म्यू एम जी है ना, जीरो टू म्यू एम जी, कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो तुम बस ये बोलोगे एफ इज इक्वल्स टू एफ एस, दैट्स इट, बिकॉज इट इज एट रेस्ट, बस तुम ये नहीं बोल सकते इट, बट दिस वैल्यू विल बी बिटवीन, अब ये विल बी बिटवीन, इट कैन बी फ्रॉम जीरो टू म्यू एम जी है ना, जीरो टू म्यू एम जी के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कुछ नहीं बोल सकते। अब इन दिस केस स्टैटिक फ्रिक्शन की बात है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो टू म्यू एम जी है ना, म्यू एन, तब यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, एक ही कुछ यही फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा एफ एस, तो एफ एस विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बिकॉज बाकी दो फोर्सेस क्या है, नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा, क्लियर, एम जी कॉस थीटा। अब यार एक चीज समझ में आ गई, एम जी को तुमने तोड़ लिया, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन ऐसे लगेगा है ना, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू गो डाउन, तो फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो नाउ वन थिंग दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे यू विल राइट एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, बट इसकी वैल्यू जीरो टू म्यू एन कुछ भी हो सकती है ना, म्यू एन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एन मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा, बिकॉज एन एज एम जी कॉस थीटा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो फिर से वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अब यार तुमने एक ऐसे फोर्स एफ लगा रखा है, अब ये नीचे जाना चाहता है ना, बट ये जा नहीं रहा है नीचे, ओके इट इज नॉट मूविंग डाउन, अब ये यहाँ पे इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन इस पे ऐसे लग रहा होगा ना, एंड दिस फ्रिक्शन इज एफ एस, तो तुम बस लिखोगे एफ एस, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लिख दो, एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी एंड एफ इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एन। तो भाई अब तुम क्या बोलोगे, एफ एस कैन रेंज फ्रॉम जीरो टू म्यू एन, एंड म्यू एन इज म्यू एफ, ठीक है, और म्यू एफ, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है एम जी, इट इज समवेयर बिटवीन जीरो टू म्यू एन, समझ में आ गया, तुम्हें नहीं पता क्या है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बट तुमने ये बता दिया कि बिकॉज फ्रॉम हियर इट इज एट रेस्ट, यू कैन जस्ट मेक अ जजमेंट दैट एम जी इज इक्वल्स टू एफ एस। अब यहाँ पे भी ओके, ट्राई टू डू दिस योर सेल्फ, मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, एंड गो थ्रू दिस, दिस विल बी पार्ट ऑफ योर नोट्स बच्चों, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन शिफ्ट जो हमने कल किया था उसके सारे नोट्स मैं आज दे रहा हूँ, मैंने कल नहीं देना चाहता था, नहीं तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रिक्शन शिफ्ट क्या होता है कि तुम फोर्स लगाते रहते हो, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है व्हेन द स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रेक्स, ओके, इफ यू अप्लाई फोर्स मोर देन म्यू एस एन द बॉन्ड्स ब्रेक, एंड देन उसके बाद म्यू के एन लगने लग जाता है, विच इज अ लेसर वैल्यू, सी यहाँ पे देखो इट विल ब्रेक, देखो छोटा हो गया ये है ना, इट बिकम्स स्मॉलर, सो नाउ दिस इज मूविंग
इन इट हैज कम इन द काइनेटिक जोन, तो कांस्टेंट फ्रिक्शन लगता है म्यू के एन. क्लियर? अब ये देखो, अभी बढ़ेगा, ये तुमने एफ लगाया तो ये भी बड़ा 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 म्यू एस एन, अब ये म्यू एस एन हो गया है, अब ये टूटेगा, टूटा, म्यू म्यू के एन हो गया उसके बाद. क्लियर? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब इस क्वेश्चन में भी आपको ये बताना है कि एट वॉट टाइम विल दिस स्टार्ट टू मूव, एट वॉट टाइम विल इट स्टार्ट टू मूव. एफ इज इक्वल टू टी, टी इज इन सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना. तो अगर ये 10 के जी है तो अब यार जल्दी से बताओ, और अगर इसमें ये वैल्यूज हैं, है ना, तो इनिशियली इट इज इन द स्टैटिक जोन, टी इज इक्वल टू जीरो पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यार अब मुझे बताओ ये कब मूव करना चालू करेगा, ये कब मूव करेगा, जब, अब ये देखो एफ एस मैक्स निकाल लो, एफ एस मैक्स क्या होगा, ये होगा म्यू एस एन, एन इज एम जी, है ना, तो अभी आप निकाल सकते हो, अरे एन है, एम जी क्या है, 100 है, है ना, तो ये क्या होगा, म्यू एस विल बी 1 × 100, तो ये होगा 100 न्यूटन. तो भाई जब तक तुम 100 न्यूटन नहीं लगाओगे तब तक ये मूव नहीं करेगा. तो एट टी इज इक्वल्स टू 100, बच्चों एट टी इज इक्वल्स टू 100 इट स्टार्ट्स टू मूव. अरे यार मतलब वहीं पर मूव करेगा, बट समझो एट टी इज इक्वल्स टू 100 ये 100 न्यूटन लगेगा यहाँ पे. एफ एस मैक्स विल ब्रेक इफ यू अप्लाई समथिंग ग्रेटर देन दिस 100+ 0.0001, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 100 पे 100 प्लस पे, है ना, 100.0001 पे इसका बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. व्हाट इज एफ के, एफ के मैक्स नहीं होता ये, तो एफ के इज म्यू के इनटू एन, सो दैट विल बी 80 न्यूटन. अब यहाँ पे 80 न्यूटन लगेगा. सो बेसिकली यू हैव फाउंड आउट 100 पे मूव करना स्टार्ट करता है, तब तक इसका एक्सेलरेशन जीरो था, तब तक इसका इट डिडंट मूव एट ऑल. सो अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, एवरीवन प्लीज सी, दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ओके, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर भाई भाई, सो इट विल बी जीरो, इट विल नॉट मूव टिल 100, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा. उसके बाद एकदम से उसके पास 80 न्यूटन आ गया, बहुत बढ़िया, मतलब 8 एक्सेलरेशन हो गया डिवाइडेड बाय मास, उसके जस्ट बाद 8 meters per second square, ओके, यहाँ पे ये एकदम से कूदा, है ना, एंड देन व्हाट हैपेंस, देन इट इंक्रीजेस विद टाइम, देन इट इंक्रीजेस विद टाइम. व्हाई डज इट इंक्रीज विद टाइम, क्योंकि उसके बाद ये तो टी है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, लीनियर है, तो यार एक्सेलरेशन इज लीनियर, इट इज लाइक दिस, तो इफ दिस फोर्स विल कीप इंक्रीजिंग, नेट फोर्स विल कीप इंक्रीजिंग, क्योंकि ये 80 तो एज इट इज रहेगा, नेट फोर्स विल कीप इंक्रीजिंग, नेट एक्सेलरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज लीनियरली. ओके, अगर आप खाली फ्रिक्शन की बात करते हो, अगर मैं फ्रिक्शन का प्लॉट करूँ, एवरीवन प्लीज सी दिस, फ्रिक्शन वर्सेस टाइम, ओके, तो ये स्टैटिक जोन है 100 तक स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग, तो यार उसमें क्या होगा, ये जीरो से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे 100 तक जाएगा, एवरीवन प्लीज सी दिस, ये 100 तक जाएगा, उसके बाद बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, है ना, 100 पे, देन इट विल फॉल डाउन टू 80, है ना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 80 पे गिर जाएगा और फिर वो कांस्टेंट रहेगा. क्लियर? फिर वो कांस्टेंट रहेगा. तो ये दो प्लॉट्स हैं, इसको प्लीज स्टडी जरूर करना, इस एग्जाम्पल को हमने कल किया भी था और मैं इसके नोट्स आज आपको दे रहा हूँ. क्लियर है? ओके बच्चों, आई थिंक इट वॉज वेरी गुड, आई थिंक 600 बच्चों ने लाइक भी कर दिया है. अगेन बिफोर दिस एंड्स, कुछ ही चंद मिनट में शेयर इट विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, लेट्स एम कि आज तक वी क्रॉस 1000 लाइक्स. ओके, चलो ये प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ दिस बच्चों. एंगल ऑफ रिपोज भी किया था हमने, और मैं कुछ दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहता था जो मैं नहीं कर पाया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कल हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये एम जी साइन थीटा एफ, इसमें क्या पढ़ा था हमने, इसको इंक्रीज करते रहेंगे, ये लास्ट क्लास में देख लेना फिर से जाके, अब ज्यादा समझ में आएगा. तो व्हेन इट मूव्स, एक एंगल पे नीचे मूव करने लग जाता है. दिस वॉज एन एंशियंट टेक्निक टू फाइंड आउट द म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ दिस प्लैंक. अगर निकालना चाहता था तो मैं निकाल सकता था, क्योंकि जब थीटा पे ये नीचे आता है तो क्या होता है, एम जी साइन थीटा बिकम्स इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ से टैन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू आ जाता है. तो इतना आसान है, टैन थीटा आपकी म्यू की वैल्यू हो गई, कितना अच्छा तरीका था, राइट? क्योंकि उस थीटा पे फ्रिक्शन ब्रेक हो रहा है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था उस वक्त, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग रहा था, म्यू एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया. कितना अच्छा तरीका इसको करने का, है ना. अब ये देखो यहाँ पे मैंने सिमुलेट भी किया है, इसको ध्यान से देखना, है ना, बार बार देखना, इसको लास्ट क्लास में भी कराया था, इस एंगल को इंक्रीज किया था, तो आई फिगर्ड आउट कि 22.5 पे ये नीचे आता है, मैंने सब कुछ सेट किया था म्यू के और ये सब, आप देख लेना. ओके चलो, तो बच्चों इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दीज एग्जाम्पल्स, है ना. आई एम सो सॉरी आज हमारा डिले हो गया था बिकॉज बीच में लाइट चली गई थी, बट वी विल रेक्टिफाई दिस. ये सारे होमवर्क कर लो, क्योंकि अब ये सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा. एक तो ये क्वेश्चन है, गॉड ऑफ केमिस्ट्री पारा सर ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना, और ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे हम पहले, है ना, ध्यान से देख लो. फिर नेक्स्ट ये अगली क्लास में ये क्वेश्चन भी करेंगे हम, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला. आफ्टर दैट वी विल गो टू दिस क्वेश्चन, ओके, ये मैंने आपको कल भी दिया था,
ओके, तो ये अब हम थर्ड क्लास में करेंगे, ठीक है. दिस क्वेश्चन वी विल डू, एंड आफ्टर वी डू दिस क्वेश्चन वी विल डू दिस क्वेश्चन. ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू बच्चों, है ना. एंड आई ऑल्सो हैव अ चैलेंजर प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज दिस वन, ठीक है. तो ये एच सी वर्मा का बहुत ही, एच सी वर्मा में भी एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अगर ये आपने कर दिया तो आपको बड़ा मजा आएगा. तो कम विद दिस, इसको पूरा प्रिपेयर करके आना, और फिर बहुत मजा आने वाला है लेक्चर थ्री में, लेक्चर थ्री में. ओके, चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, एंड इट वॉज लवली इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू. अब मैं एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच, ठीक है. ओके, बाय. और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये तहस नहस कर दो, जितना फ्रिक्शन लगाना है इस पे लगा दो, एंड डू शेयर. ऑल्सो ये वाला बटन दब जाना चाहिए, घंटा बज जाना चाहिए, नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच, बाय.